साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह हो गई है और सुबह सुबह उठ के मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ, गेस्ट आ रहे हैं, सिस्टर आ रही हैं, तो मैं रात को काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैं नहाई नहीं, फ्रेश नहीं हुई। मैंने कहा कि अब मैं नहा के सोऊंगी तो एसी में सोऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा सुबह बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अभी नहाना ठीक नहीं है, सुबह उठ के फ्रेश होंगे। सुबह हिबा सो रही थी तो सबसे पहले मैंने कहा कि फ्रेश हो गई हूँ, अब मैंने अब मैं हिबा की नई नई कराने लगी हूँ, हिबा की नई नई करा के फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर हम खाना वगैरह जो है उसको रेडी करेंगे। और उन्होंने 12 बजे फ़ोन जाना है, उससे पहले पहले सब कुछ कम्प्लीट करना है। तो विश मी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा। और जब घर छोटे होते हैं ना तो किचन भी छोटे होते हैं तो मसले हो जाते हैं, मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाती है और गर्मी का सीज़न हो तो बस आई विश के इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो और उनको ये फील ना हो कि गर्मी है। और अब नीचे चलते हैं, सॉरी अभी हिबा को नहलाते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे जाके काम करते हैं। और कनेक्टेड ट्राई का वीडियो कंट तक जरूर देखिए, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी डस्टिंग करके फारिग हुई हूँ, सारी डस्टिंग की है मैंने, जाले शाले उतारे हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, मैंने कहा सब कुछ फ्रेश फ्रेश कर लूँ। तो अब जोन सा है ना, मैं किचन में पानी रख के आई थी, किचन का अब हाल देख लें, अभी ये शॉपर गंद को उतार के फेंकना है और ये सारे काम करने हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी, हिबा रो रही है, फिर हिबा को देख लूँ तो फिर मैं आपको बकाया दिखाती हूँ। क्रीम ऐड की अभी मैंने इसके अंदर, क्या कह ली हैं आप, क्या छे भी बैठी हैं, ऐसे कौन करता है, हिबा करती है, शूज स्लीपर्स स्लीपर्स है तब पार्लर लगला मेरे बेबी। ओए ओए ध्यान से, हिबा गिरना जाना, जोर नहीं लगाना पीछे गिर जाएंगे, ओके। मैं ये अदरक को छील लिया, अदरक को काट के कटिंग बोर्ड रखा है, यहाँ पे लेमन काट के डाल चुकी हूँ और मैं अदरक और मिर्ची जो ये काट के डालने लगी हूँ। एक चूल्हे पे मैंने पानी रखा है, पानी बॉयल हो रहा है, मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। खाना लगा लिया है, ये है जरिश की प्लेट हिबा आपने खाने, आप नहीं खा रही, हाँ मेरे बेबी गर्मी से पसीने से बुरा हाल है, अब खाना खाने लगे और फिंगरप्रिंट भी नहीं मेरा ट्रेस हो रहा, मोबाइल पे फिंगरप्रिंट से ही चेंज हो गए, कट लग गए ऊपर से, वो पानी में रह के ना जो सारे ख़राब हो गए। यहाँ पे चाय बन रही है, मैंने आग हल्की की हुई है, गुड़ डाला मैंने इसके अंदर, एक पहले मैंने मक निकाल दिया सिस्टर की सास के लिए, वो बिल्कुल भी मतलब मीठी चाय नहीं पीती, मैं हल्की सी गुड़ वाली बनाती हूँ, अम्मी तो पी लेती हैं हल्की सी गुड़ वाली, वो उनको पसंद नहीं है, तो उस वजह से मैंने उनके लिए अलग निकाल दी। और मैंने बाकी में जो है गुड़ डाल दिया, अब ये देखें इसको बॉयल आ रहा है, थोड़ी पकती है तो इसको फिर मैं निकालती हूँ। ट्रे में मैंने रख लिए हैं मग, और ट्रे कितनी प्यारी है, ये मेरी शादी की है, बहुत ही प्यारी सेट है, सबसे छोटी ट्रे का इतना बड़ा साइज़ है, बड़ी वाली तो उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी हैवी भी हैं। अब चाय लेके ऊपर जाते हैं, एसी में बहुत गर्मी है। ये जो है ना मैंने सिस्टर की सास के लिए भी ऑर्डर किया था, तब ढूंढ के ना दराज से, ये भी चाइना से ही आया, इनके मोबाइल का मॉडल जो है वो पुराना था तो मिल नहीं रहा था, एक मिला और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैंसी और आंटी की पर्सनालिटी के बिल्कुल सूट करता, आंटी भी ऐसी ही है ना फ्रेश फ्रेश रहने वाली, इसलिए मोबाइल भी उनका फ्रेश फ्रेश ही रहा और इतना प्यारा कवर उनको भी मिल गया, सिर्फ मेरी वजह से, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और ये देखें जरा, मैंने चाइना से मंगवाया था कवर सिस्टर के लिए, सिस्टर के मोबाइल पे चलाया और बिल्कुल फिट आया, मुझे डाउट था कि शायद ये S8+ होगा इनका, पर S8 एग्जैक्ट कवर आ गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पसंद भी आ गया, आई एम वेरी हैप्पी कि पसंद आ गया। ये हिबा जो सी खाका के दूसरे मोबाइल के साथ लगी हुई है, है ना, ये खाका का दूसरा मोबाइल है और इसका कवर जो से देखे शीशे का कवर, और वो भी टूट गया, टूट गया टूट गया। और ये देखिए ये हमारा सेम हो गया, मेरा भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कवर है। इनके घर कड़ी भेजी थी तो बहुत ज़्यादा से रिप्लाई आ गया, आज उन्होंने भी कड़ी बना के भेज दी, अभी उसका बेटा आया था कड़ी लेके, मैंने कहा वाओ ये तो रिप्लाई आया इसका, लेट आया पर आ गया है मेरा बच्चा, मेरा पारा बच्चा। ये देखें ज़रा, मेरी सिस्टर की वॉच है, और मेरी सिस्टर जैसे जो है ना कस्टमर चाहिए होते दुकानदारों को, गई हैं वॉच लेके, दुकानदार कहता कि बाजी इतनी महंगी आपकी घड़ी है, 40,000 रुपये की घड़ी है और आपने अंदर 150 रुपये का सेल लगवाया हुआ है, वही 150 वाला सेल 500 रुपये का डाल के दिया अगले ने इनको, और ये बड़ी खुशी खुशी आ गई कि मेरी 40,000 की घड़ी, कहते मैंने 500 का सेल डलवा लिया। ये देखें ज़रा, पैसे ज़्यादा आ जाए ना फिर बंदे का ये हाल होता है
तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए 150 वाले सैंडल लगा के भी। जब हम समोसे खाने लगे हैं और ये समोसे हम खा रहे हैं, सब लगे हुए हैं अपने अपने मिशन पे, और ये मिशन जोन से हमारा देखें ये मिशन कितनी कामयाब हो गई। आंटी आंटी ने भी कह दिया कामयाब हूं, सब लगे हुए कामयाब सब जीत गए हैं। ये अहमद का मिशन है, अहमद का मिशन है ये, क्योंकि अहमद पहले इस मिशन को ख़त्म करेगा, बाद में समोसे के मिशन पे आएगा। सारी चीज़ दिखाओ, ये तो एक छोटा सा बेबी जोन सा ना हमारे घर, इसको सारी चीज़ सारी चीज़ें अहमद की हैं, और वो लेस भी अहमद के थे। हैप्पी अहमद, नीचे चले आओ मम्मा पास, लो क्यों मेरा बच्चा, चल चल मम्मा साथ नीचे। और ये देखें ज़रा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा बेडशीट गंदी कर दी थी, नंगे पाँव नीचे से घूम के ऊपर आते, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हिबा का भी मैं नंगे पाँव ऊपर आती है तो बेडशीट जो सी ना मैं मतलब इसके भी पाँव वॉश करके ऊपर लाती हूँ, मैं बेडशीट पे मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई भी नंगे पाँव, मैं खुद नहीं कभी नीचे लगाया पाँव। तो मेरा ये काम है, अब मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि हम बच्चों को तो मना कर नहीं सकते, तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी सबसे पहले। अभी बेडशीट उतारी है मैंने, और ये देखिए मैट्रेस का कवर कितना ख़राब हुआ, मैट्रेस का कवर ठीक करती हूँ। ये वाटरप्रूफ कवर लगाया हुआ था कि अगर गलती से पानी गिर जाए तो मैट्रेस ख़राब ना हो। और अब मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछा रही थी। ये मेरी डॉल भी बेडशीट जो सी ने यहाँ से ठीक कर रही है, हैं बेडशीट बिछा रही हैं आप। ये पिलो रखे हुए मम्मा ने, पिलोज के कवर हैं, और ये बेडशीट है, ये हिबा ने बिछाई है ना, हिबा ने बिछाई है ना मम्मा, मम्मा ने बिछाई है। ओके क्या पिंकल, हाँ जी हाँ जी मम्मा, यहाँ पे हमने बेडशीट बिछा ली है, हिबा और हिबा की मम्मा बैठी हुई हैं। तो ओके मम्मा पिन तो आ दें इसकी, अब हमने लेटना है ना, थोड़ी देर रेस्ट करना है। और अब ये मैं खाना खाने लगी हूँ, ये चिकन कढ़ाई है, मखनी कढ़ाई है, बहुत यमी है, दही और साथ में रायता है, और सही दही और साथ में सैलेड है, इतनी थक गई तो आ कर आप हो गए, दही और साथ में रायता है। आप लोग भी खा लें, हाँ जी हिबा भी खाने लगी है। ये रात की चाय बन रही है, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखें जो बाकी बिरयानी बची है, सिस्टर को साथ भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माशाल्लाह बरकत बहुत है, और बिरयानी काफ़ी बच भी गई है। 2 किलो चावलों की बिरयानी बनाई थी, 2 किलो चिकन डाला था, तो अब ये जो है चाय बन रही है, अब चाय पीते हैं, बहुत थक गई हूँ, बहुत थकावट है, फ्रेश होंगी चाय पी के शायद। ये देखिए हेलो सनशाइन, और कितना बड़ा मग है, हेलो सनशाइन तो नहीं है, अब रात हो गई हुई है फिर भी हेलो सनशाइन है, बहुत ही मज़े का मग है ये। और यहाँ पे मेरा बेबी जोन सा है वो सो गया आज माशाल्लाह, देखें टाइम चेक करें कि ये कितने बजे सो गई है, थक गई है खेल खेल के कज़न्स के साथ, इसको खुशी इतनी थी, खेल खेल के थक गई, अब थक के जो चूर होकर सो गई है आज माशाल्लाह। हिबा भी टाइम पर सो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई थी इस वजह से वो भी सो गई है। तो मैं भी अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो करें लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल पे दी तो करें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का दिन जो है मेरा बहुत ज़्यादा हैट्रिक गुजरा है, बहुत ज़्यादा काम था, इतना काम, गेस्ट देखना, किचन देखना, छोटे बच्चे को देखना, बहुत मुश्किल होता है सबके दौरान व्लॉग शूट करना, तो बहुत कम व्लॉग शूट कर पाई हूँ, बट मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जैसे कि मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ उस तरह करती रहूँ, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं शेयर करूँ और इसको शूट करूँ, बट बहुत ज़्यादा पार्ट था काम का जो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर सकी, मुझे पता ही नहीं था मेरा मोबाइल कहाँ पर है, मुझे फिक्र थी तो किचन की और हिबा की कि हिबा कहाँ पर और मेरा किचन का काम हो जाए बस, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया और अच्छा हो गया, और बहुत अच्छा दिन गुजरा, बिजी गुजरा, गेस्ट आए अलग ही रहमत होती है, और काम तो करने पड़ते हैं, तो काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, काम के साथ ही सब दिन के साथ हर रोज़ काम चलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है अपनों के लिए जब अपने इकट्ठे होते हैं, मिलके बैठते हैं, काम करना, उनके लिए स्पेशल खाने बनाना, और मज़ा आता है सब इकट्ठे बैठ के खाएं, तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद सिस्टर आई थी, ये सास भी आई थी अब्बू की खबर लेने के लिए, और मेरे कज़न की दर्द जो हुई है उनका अफसोस करने के लिए, तो बस वो भी सब कुछ चलता रहा, साथ साथ ज़िंदगी तो चलती रहेगी ना, आगे जाने वाले चले जाते हैं, हम इंसान हैं जो जिंदा हैं वो चल ऐसे ही ज़िंदगी अपनी चलाते रहते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बट क्या करें, ज़िंदगी है, जीनी तो है ना, तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ, और काइंडली चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह अच्छे अच्छे व्लॉग आप तक पहुँच सकें, और इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।